नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। सभी साथियों को जय भीम। जैसे कि हम हर लगातार एपिसोड में एक नए व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाते हैं, हम पहले ही आप सबको बता चुके हैं कि हम युवाओं की आवाज को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युवा एक न केवल पिछली पीढ़ी का विरासत को लेकर चलता है, बल्कि भविष्य का सपना वो जो देखता है समाज को, भूतकाल से लेता हुआ वर्तमान को देखता हुआ भविष्य को संजोने का जो एक सपना देता है वो हमारा युवा वर्ग करता है। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ है गुरिंदर आजाद। मैं आपको जय भीम बोलती हूँ, तमाम दर्शकों को मेरा जय भीम। गुरिंदर आजाद जी पंजाब से हैं। आप लगातार जो रेलिवेंट इशूज होते हैं, समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, चाहे हमारे लेखन से रिलेटेड हो, चाहे हमारे राजनीतिक इश्यूज हो, पॉलिसीज के इश्यूज हो, तमाम जिंदगी के जो हमारे पहलू जो जिनसे हम रूबरू होते हैं, गुरिंदर आजाद की आजाद बेबाक आवाज हमेशा शामिल होती है। आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री न केवल सोशल इश्यूज पर होती है, बल्कि उसमें एक ऐसा संदेश छिपा होता है जो बहुजन मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम स्वच्छकार समाज की आवाज में जब भी किसी व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं, साथ ही साथ आपको बताने की ये कोशिश करते हैं कि स्वच्छकार समाज के इश्यूज पर काम करने वाले, सोच रखने वाले वो लोग जो स्वच्छकार समाज से संबंधित हैं या स्वच्छकार समाज के समस्याओं का साइकोलॉजी सोशोलॉजी एनालिसिस करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से आने वाला व्यक्ति हो, महिला हो या कोई भी हो। इवन हमने राजनीतिक लोगों से भी स्वच्छकार समाज के इश्यूज पर बात की। गुरिंदर आजाद जी मूलतः पंजाब से हैं, लेकिन पूरे भारत में जो इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाक्रम के माध्यम से, और आप राउंड टेबल इंडिया के हिंदी के एडिटर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए व्यक्तिगत है जो मैं साझा करने में कोई संकोच नहीं करती, आप मेरे खुद के उन दिनों के भी साक्षी हैं जहाँ कौशल पावर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में अपने संघर्ष के साथ लड़ रही थी, वहां से एक पारी की शुरुआत हुई और आज हम सब आमने सामने हैं। हमारे संघर्ष के साथी, हमारे एक तरह से कदम मिलाकर चलने वाले साथी, भले ही मेरा थोड़ा सा फील्ड संस्कृत रहा हो और हमारे रास्ते थोड़े से अलग रहे हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे हमारी सोच, हमारी समझ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारकी को लेकर चलती है। इसलिए मैं तमाम स्वच्छकार समाज की आवाज के दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनसे आप रूबरू हैं वो न केवल मुद्दों पर बातचीत करते हैं, बल्कि तथ्य परक रिसर्च फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर उनकी बातचीत होती है। इसलिए ऐसे शख्सियत को आपके बीच में लेकर आना मेरे लिए तो बड़ी बात है ही, हमारे तमाम दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए भी है, क्योंकि बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन जो फैक्ट पर आधारित चीजें होती हैं वो हमारा वो युवा वर्ग कर सकता है जो फील्ड में जाकर काम करता हो। गुरिंदर आजाद जी उन्हीं फील्ड में काम करने वाले हैं। मैं एक बार फिर अपने मित्र का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और बात की शुरुआत सीधा आपके नाम के टाइटल से करना चाहती हूँ, वो ये कि आजाद टाइटल कैसे लिखना शुरू किया मेरे मित्र ने। धन्यवाद कौशल जी, और स्वच्छकार समाज की आवाज के सभी दर्शकों, कहने की जरूरत नहीं, हम मित्र हैं और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। जी तो स्वच्छकार समाज की आवाज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। ये तो बहुत ही मुख्तसर सी बात है, आजाद को ही बड़ी जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में था तभी मुझे इस बात का थोड़ा था, जात पात और ये इन सब को लेकर के मैं, मेरा कोई बहुत ज्यादा उस वक्त में समझ नहीं थी, लेकिन लगता था अंदर से, तो मैंने दसवीं में आते आते फिर मैंने बदल लिया था, ये नाम खुद से लिया, तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स के ऊपर आजादी है। बहुत बढ़िया, बहुत गुरिंदर आजाद, मैं सीधा आपको गुरिंदर भी कह सकती हूँ। तो राउंड टेबल इंडिया का विचार आप लोगों ने जो आया, कैसे आया और कैसे, मतलब राउंड टेबल इंडिया काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है? राउंड टेबल हिंदी बेल्ट के जो एडिटर हैं, मैं जी
जी 2009 की बात है, उससे पहले अनूप जो है वो इनसाइट यंग वॉइसेस मैगजीन चलाते थे, और तभी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप थे, हाँ बिल्कुल, और आप उसमें प्रिय भी थे, तो एडिटोरियल मेंबर थी मैं, एडिटोरियल मेंबर थी, और उसमें सुरेंद्र आपको बीच में टोकना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रही। मुझे याद पड़ता है जब मैंने 2003 में जेएनयू ज्वाइन किया था, मेरा एक एक आर्टिकल जो छपा था वो सबसे पहले इनसाइट मैगजीन जो अनूप चलाते थे, आप लोग चलाते थे, यूडिया सब जो उसमें एक्टिविस्ट थी उसमें छपा था, मुझे याद आया जी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद फिर दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट पोर्टल पे आपका इंटरव्यू बहुत लंबा जो आया था, जो हमारी फोन पे बात हुई थी तब मैंने लिया था। बहरहाल 2009 की बात है ये, जब पूरा अनूप को मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद बाद से ही हमने ये सोचना शुरू किया था कि जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, जिनकी जिन्होंने मेहनत करके अब एक मुकाम हासिल किया है, तो उन सबका इंटरव्यूज हमने लेना शुरू किया था, और जिसमें आप भी थी और बहुत सारे और लोग भी थे, तो उसी के तहत हमारा एक नेटवर्क बिल्डअप होता गया, और जिसमें बाद में ये विचार आया कि क्यों ना हमारा एक पोर्टल होना चाहिए, और वो पूरे का जो विचार था वो बहुत सारे जो हमारी जर्नी थी, एक्सपीरियंसेस थे, उनके बेस पे आया था कि एक तो इनसाइड यंग वॉइसेस पहला स्टूडेंट्स के लिए मैगजीन था जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में उस वक्त में जा रहा था, लेकिन बहुत सारे हिकअप्स है, बीच में बंद होता था, कभी चलता था, रेगुलर बहुत नहीं था, जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता है, रिसोर्सेज का कमी होती है, बहुत कुछ होता है, तो ऐसे में फिर यह विचार आया कि क्यों ना हमारा एक पोर्टल हो, क्योंकि तो पोर्टल की दुनिया लगभग 2002-2003 से शुरू हो गई थी, तो ये वाला फिर विचार आया, और उसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो इनसाइट का भी जो ब्लॉग चलता था, insightyv.com चलता था, उसमें जो आर्टिकल्स आते थे, उसमें जो कमेंट्स होते थे वो बहुत डेरोगेटरी होते थे, उसमें रिजर्वेशन को बहुत ही नेगेटिव वे में जो स्वर्णवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो उसको प्रस्तुत करते थे, और हमारे लोग जो थे, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं थे उन सब इश्यूज़ को लेकर के, तो हमको लगा कि हमारे लोगों को लिखना चाहिए, लेकिन अगर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर कोई और अगर स्पेस देता है तो या तो उनके व्यूज़ को कर्टेल कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, तो उनको पूरा नहीं छापा जाता, या फिर छापते ही नहीं है, तो इन सब वजहों से हमको लगा कि ये ज़रूरी है। एक वजह इसमें ये थी कि जो हम ये मान के चल रहे थे कि अभी भी चलते हैं कि जो पत्रकारिता अभी तक की रही है भारत में, वो पत्रकारिता जो है वो स्वर्णवादी है, और उसने ब्राह्मणवाद के जो नैरेटिव्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में, या फिर उनकी या तो उन्होंने खुद एस्टेब्लिश किए हैं, या फिर जो नैरेटिव घड़े गए थे बड़े बड़े जो वो चाहे कांग्रेस के हों, या तो उनको फैलाने का काम उन्होंने, उनको उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है, तो उसके ब्रक्स हम चाहते थे कि हमारे युवा लिखना शुरू करें, और इस तरह से ये फिर अंग्रेजी में शुरू हुआ था, तो इसमें इसके फाउंडर थे भानु प्रताप सिंह, वो हमारे मित्र हैं, और लेकिन उनको ज़्यादा जो है उनको पाला पोसा, और उनको पूरी एडिट जो उनके फाउंडर एडिटर हैं वो अनु रामदास हैं और कुफीर नालगुंडवार हैं, और उन लोगों ने बहुत अपना बहुत मेहनत की, और बहुत और भी कई सारे उसमें धीरे धीरे शामिल होते गए, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और लगभग इसी दौरान जो है हिंदी का भी हमने सोचा, और लेकिन करते करते 2014 में इसको शुरुआत की हमने कि हिंदी के जो इश्यूज हैं, हिंदी बेल्ट के इश्यूज हैं, और बहुत सारा ट्रांसलेशन का हम चाहते थे कि वो भी काम आना चाहिए, तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, और वो चल रहा है, और अभी हमारा मराठी में भी है ambedkarrace.com, और हमारा कन्नड़ा में भी है, और तेलुगु में, पंजाब में, और बांग्ला में राउंड टेबल इंडिया अभी आने वाले फ्यूचर में हमारे प्लान्स हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। गुरिंदर जी, मैं आप क्योंकि पंजाब से आते हैं मूलतः, तो पंजाब का जो बहुजन की परंपरा है, पंजाब में खासकर बहुजन आंदोलन की जो परंपरा है, उसका इतिहास कैसा रहा? मैं एक एक ही बात कह देता हूँ, मैं पंजाब से हूँ लेकिन मैं 2005 से मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन बहुत नजदीक
बहुत नजदीक है पंजाब और मेरे बादस्तूर वहाँ पे दौरे होते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ, दोस्त लोग हैं वहाँ पे, तो उससे मेरा एक खास वास्ता है और मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि है वो। पंजाब में जो इसकी शुरुआत है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो भी मूवमेंट चला है उसकी शुरुआत तो कबीर जी से, संत रविदास जी और फिर गुरु नानक देव जी, उनकी जो परंपरा आगे चली है 10 गुरुओं तक, और उसके बाद भी बंदा सिंह बहादुर हैं, और तो ये पूरी परंपरा चली है, वो एंटी ब्राह्मीन परंपरा है। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि फिर, क्योंकि जब अंग्रेजों का खास तौर पे शासन आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल हुआ है, तो उसमें उसमें जो ब्राह्मण तबका था उसने ब्यूरोक्रेसी में और खास तौर पे उसने अपनी जगह बना ली थी, और एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ एक सिस्टम को लेके आई थी कि रूल कैसे किया जाता है, तो वो उस नाते जो है उनका ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण जो थे उनके साथ उनका कोलैबोरेशन रहा है, तो उसमें हमारे हमारे जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी और बहुत सारी चीजें हैं, वो इसलिए धूमिल पड़ी क्योंकि अंग्रेजों को हमारी भाषाएं समझ में नहीं आती थी, और ब्राह्मण उनके करियर बने, और फिर जहाँ पे भी गए उन्होंने हमारे समाज को डिफाइन करना शुरू किया, तो इसलिए आपको गुरिंदर आवाज आवाज चली गई बीच में से। गुरिंदर आवाज नहीं आ रही, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप इंटरनेट तो पूरा है? हाँ, थोड़ा सा आवाज बीच में चली गई थी। तो जहाँ पे भी अंग्रेज गए हैं, जब उन्होंने सोचा कि भारत के ऊपर हम रूल करेंगे, तो उन्होंने अपने साथ में ब्राह्मणों को लेके गए हैं, तो वो सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, वो पूरे भारत का मसला है। पूरे भारत में जो बहुजनों को डिफाइन किया है वो फिर ब्राह्मण के जरिए किया गया है, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख मारी, तो वो एक अलग एक चैप्टर है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि मूवमेंट में थोड़ा सा ठहराव आता है, जो और जो एक सिख मूवमेंट जो थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हम देखते हैं कि बंदा सिंह बहादुर के रिजीम के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह का रिजीम आता है, तो उसमें बहुत सारी ब्राह्मणवादी परंपराएं चली आती हैं, और जब 1849 में पंजाब, जो कि लास्ट प्रिंसिपैलिटी थी जो अंग्रेजों से हारी, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि पूरे का पूरा सिनारियो बदलता है, और 1925 में जो है मंगू राम जी सिनारियो में आते हैं, और मंगू राम जी से पहले मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि बंदा बहादुर की ही बातचीत है या आप मुझे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, जो शीर्ष जो जब मुगल जब यहाँ का वो था या कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी गर्दन को उठाने के लाने का हम इसको इसमें नहीं लेके आएंगे। अच्छा। ये बहुत बड़ी वो है, मतलब बड़ी डिबेट, एक बहुत बड़ी डिटेल है, उसके बारे में हम लोग अलग से करेंगे, वो एक बिल्कुल बहुजन का है, सिख परंपरा की बात कर रहे थे, वो परंपरा की बात में मतलब वो तफसील से करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ तो लेकिन लेकिन ये जरूर बताइए कि आद्य धर्म मूवमेंट क्या था और फिर मंगू राम के आंदोलन का कैसे मतलब विघटन हुआ या इस पे विकास प्रक्रिया और उसके विघटन पे आप बताइए। जी एक्चुअली में 1925 में मंगूराम जी परिदृश्य में हमको आद्य धर्म मूवमेंट में दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे पहले उनका उनका जो एसोसिएशन था वो गदर मूवमेंट से था। गदर मूवमेंट पंजाब में 1914 में चली थी, और मंगूराम जी जो थे इसके सिपाही थे, लेकिन वो जैसे 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 मतलब वो विदेश में थे अमेरिका में, और जब वहां से लौटे वो कैसे कैसे लौटे वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुंचे और अपने गांव में आए, तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजों से ज्यादा कठिन परिस्थिति जो है वो जातिवादी व्यवस्था को लेकर के है। तब उन्होंने फिर अपनी जड़ों को तलाशा, और उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम आद्य धर्म मूवमेंट है, यानी कि आद का मतलब है कुदरत से जुड़ा हुआ। अगेन वॉइस इज नॉट कमिंग, इट्स ऑडिबल नाउ, ऑडिबल नाउ। तो 1925 में उन्होंने फिर अपना आद्य धर्म मूवमेंट बनाया चलाया, और हम देखते हैं कि 1931 तक आते आते उनके काम का इतना असर था
कि कई लाख लोगों ने 1931 की सेंसस में अपने आप को आधर्मी बोला है। और आगे चल के जब यहाँ पे चुनाव होना शुरू हुए, साइमन कमीशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कभी बात करेंगे उस पर डिटेल में, लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में आधर्म मूवमेंट के कई एमएलए जीत करके आए। और लेकिन जिस तरह से तो उनका लिटरेचर बहुत अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, यहाँ पे बहुजन तो कभी आज़ाद नहीं हुए हैं, तो लेकिन उस वक्त में जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना मंगूराम जी को करना पड़ा। और आगे चल के जो है कांग्रेस या फिर अकाली दल या फिर बहुत सारी चीजें, हम वो उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनका जो बीज बोया हुआ था वो आगे चल के कहीं ना कहीं अभी तक टिका हुआ है। लेकिन उनके जो उनको उनकी जो लेगेसी को फॉलो करने में कहाँ पे वो हुई है कहाँ पे नहीं, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और क्योंकि पंजाब का मसला है तो पंजाब में दो पैरेलल धाराएं थी, एक सिख मूवमेंट था और दूसरी तरफ एक गदर मूवमेंट भी था, एक अकाली मूवमेंट भी था, साथ में फिर आधर मूवमेंट भी चला। तो हाँ जी, तो ये सारे मूवमेंट पैरेलल चल। छोटा सा सवाल मैं बीच में आपको टोकना चाहती थी, वो ये कि आधर मूवमेंट में कौन लोग शामिल थे, क्या केवल या पूरा तमाम SC ST OBC उसमें इन्वॉल्व था या कोई खास समुदाय उसमें इन्वॉल्व? उसमें विशेषता जो थे शेड्यूल कास्ट के ही लोग थे उसमें, चमारों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि पंडित बख्शीराम जी जो हुए हैं, पंडित पे मत जाइए, वो वाल्मीकि समाज से थे और उन्होंने पहला, हाँ जी, लेकिन वो लगाते थे, हमारे यहाँ लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी लगाते हैं, और तमाम श्रीवास्तव हैं और भी कई, हाँ जी, हाँ जी, पराशर हैं, ग्रोवर हैं, तो जी हाँ, तो ये लगाते हैं। तो पंडित बख्शीराम जी जो थे वो बहुत मुतासिर हुए मंगूराम जी की मूवमेंट को लेकर के, और 1932 से लेके 1937 तक जो है पंडित बख्शीराम जी का मूवमेंट चला है और उन्होंने बहुत कामयाबी से लड़ाई लड़ी है। और मैं हैरान होता हूँ ये देख करके, ये कभी भी हमारे इतिहास में बहुत उभर कर ये चीजें सामने नहीं आई है। तो हाँ जी, मुझे खुद भी व्यक्तिगत रूप से, मैं अपनी कमजोरी कहूंगी कि मुझे खुद भी पंडित बख्शीराम के बारे में कुछ पढ़ने को कभी नहीं मिला। आपकी मैंने जैसे ही नाम लिया है, आपके राउंड टेबल इंडिया में ही एक आर्टिकल था, उसके आधार पर ही मुझे लगा था कि एक्साइटमेंट के गुरिंदर से इसके ऊपर विस्तार से जाना जाए ताकि तमाम लोगों को इसकी जानकारी हो कि पंडित बख्शीराम का कंट्रीब्यूशन क्या था पूरे पंजाब में। जी हाँ जी, तो 1932 में से लेके जो उनका 37, 38, 39 तक जो उनका दखल रहा है उसमें, इसी दौरान जो है बाबू मंगूराम जी के उनके एक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में पहला वाल्मीकि समाज का सम्मेलन हुआ था और बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था ये, और पंजाब में ही हुआ था और उसमें बहुत सारे इश्यूज को वो लेकर के आए थे। लेकिन इससे पहले पंडित बख्शीराम जी अपनी जगह बना चुके थे और वो है अमृतसर का उनका एक आंदोलन था जो पहला आंदोलन था, और उस वक्त में जो अंग्रेज जो लीड जो आप कहेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी में थे, तो उनके उनके वाल्मीकि समाज के खिलाफ जो है उनके वाल्मीकि समाज अपने अपने कुछ सवालों को लेकर के कुछ लामबंद हो रहा था, लेकिन लेकिन उनको रोका गया। और लेकिन पंडित बख्शीराम जी हटे नहीं, बहुत सारे ट्रकों के सामने वो बैठ गए थे और उनके बच्चे बैठ गए थे और उनको उम्मीद नहीं थी कि ये जो समाज है इतने लोगों को जुटा पाएगा। तो लेकिन वो जिस संख्या में वहां पे आए तो उनको उनका मूवमेंट जो है कामयाब हुआ, पंडित बख्शीराम जी का मांगे उनकी मांग मानी गई, लेकिन वहां पे वो अंत नहीं होता क्योंकि इसके बाद फिर वो अपने तरीके से जो व्यवस्था होती है वो अपने तरीके से दोबारा से उनको काबू करने की कोशिश करती है। तो ये आंदोलन जो है बड़ा विकराल रूप लिया और जो आगे जो चल के विद्रोह हुए हैं उसमें अमृतसर, लुधियाना, लाहौर कई जगह थी जहाँ पे ये आंदोलन छिड़ा। पंडित बख्शीराम जी अपनी आत्मकथा है उनकी जो कि अभी परिदृश्य में हमारे नहीं है, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ कि हाँ जी, और वो उनकी सुनने में आया है कि वो काफी उसके मुझे उद्धरण मिले हैं जो मैंने राउंड टेबल इंडिया पे डाले थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास वो एक पूरा चैप्टर है जो कि, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अपनी बायोग्राफी में कि जो मेरे को पता चला है कि
किस तरह से जो आर्य समाज का जो मूवमेंट था उसने किस तरह से सिख लोगों को जो है गुमराह किया, और उन गुमराह होने के चलते वो आर्य समाज के ज्यादा हुए, और इधर जो जो बहुजन मूवमेंट है, जो दलित हैं, उनके साथ उनका उनका धीरे धीरे, हाँ जी, उनका धीरे धीरे जो है जुड़ाव कम होता गया। जो 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 आर्य समाज का मूवमेंट था उसने बहुत सारे नैरेटिव बिल्ड किए थे, हाँ जी, तो जिस तरह से भारत माता का है। बीच में मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ कि पंजाब में आर्द्र मूवमेंट मंगूराम जी का चल रहा था, महाराष्ट्र से शुरू हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आंदोलन उस वक्त पीक पर था जी, उन दोनों का क्या मतलब जो सुनने में मुझे आया है कि बाद में आर्द्र मूवमेंट ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित भी किया था, और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हाँ जी, हाँ जी, तो तीन तीन दफा बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, पटियाला में उनका हुआ है भाषण, जालंधर में हुआ है, और एक शायद अमृतसर में था। तो इनको लेकर के आने वाले केसी सुलेख जी अभी भी है, जो उनके साथ पटियाला गए थे, खुद बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बैठ के गए थे चंडीगढ़ में, मैं उनसे मिला था, उन्होंने पूरा विस्तार से अपनी एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन, और वहां पे जब गांधी, मिस्टर गांधी ने ये कहा था कि मैं हिंदू समाज का रिप्रेजेंट करता हूं, और क्योंकि अछूत जो है वो हिंदू समाज का ही हिस्सा है तो मेरा दावेदारी बनती है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं, मेरी बनती है, तो उस अपने अपने रिप्रेजेंटेशन को साबित करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लोगों को बोला था कि आप अपने जो आपके जो समाज के नुमाइंदे हैं उनको बोला था कि आप वहाँ पे तारे भेजे, वायर्स भेजे, जिसमें कि हाँ जी, जिसमें मंगूराम जी भी थे, मंगूराम जी ने भी, तो उनका जो तालमेल है बाबा साहब अम्बेडकर से वो हमको दिखाई देता है कि बाबा साहब को सपोर्ट किया था मंगूराम जी ने, बाबा साहब जब आए थे तो मंगूराम जी को बाकायदा मिले थे, और यहाँ पे जो एक दो मैगजीन निकले थे पंजाब में, बाबा साहब ने उनको सपोर्ट किया था उन मैगजीन को, और उन्होंने कहा था कि ये समय की बहुत बड़ी जरूरत है कि आपका अपना मैगजीन हो, अखबार हो, मीडिया हो। तो इस नाते जो है हम देखते हैं कि अब उसका कंपैरिजन या उसका वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब की परिस्थितियां बहुत ही अलहदा थी, अलहदा रही हैं, हर एक स्टेट की दूसरे से अलहदा होती हैं, तो वहाँ पे मूवमेंट जो होता है वो अपनी लैंग्वेज और अपने संस्कृति जो बहुजन की होती है उसको लेकर के आगे बढ़ता है, तो वो वैसे वाला मामला है ये जी। गुरिंदर, एक चीज और मैं जानना चाहती थी कि ये भी पढ़ने में आया है कई जगह पे कि बाबा साहब जब राउंड टेबल के लिए लंदन गए कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब पंजाब के लोगों ने खून से लेटर लिखे थे जी, जी, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, उसका कोई हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये बात रिटर्न हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन इस बात का मतलब मेरी मेरी मेरे सामने से ये कुछ चीज नहीं गुजरी है, मैंने भी सुना है और मैंने लोगों के ये पढ़ा, मैंने देखा है कि ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को जो है लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने अपने सर आंखों पे बिठाया है। वो उस वक्त मध्य प्रदेश में था, महू से में जन्मे हैं, महाराष्ट्र की कर्म भूमि रहा है, बंगाल से वो इलेक्शन जीत करके आते हैं, हाँ इलेक्शन जीत करके आते हैं, तो वो वैश्विक वो नेता हैं हमारे, वो विश्व प्रसिद्ध नेता है, वो हर एक समाज द्वारा सराहे जाने वाले हैं, तो उसमें कोई दोराय नहीं है कि खून से उन्होंने किसी ने पत्र लिखे हो उनको, तो मुझे इसमें कोई दोराय नहीं है, ऐसा हो सकता है, बहुत संभव हो सकता है, बिल्कुल। गुरिंदर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लगातार हम जब स्टेट वाइज जो एनालिसिस करते हैं, खासकर मैनुअल स्पेंजर फैमिलीज का या सफाई कर्मचारियों का, पंजाब इकोनॉमिकली अच्छा डेवलप दिखाई देता है स्टेट कंपैरेटिवली औरों से, आप महाराष्ट्र में चले जाएं या कर्नाटका के भी स्टेट, मतलब साउथ के भी स्टेट ले लें, तो पंजाब की इकोनॉमिकली स्थिति अच्छी रही है, तो क्या ऐसी ही जो मैनुअल स्पेंजिंग फैमिली है या जिसको हम एकदम अपनी भाषा में कहें कि जो सफाई कर्मचारी हैं या वाल्मीकि जाति हैं, उनका इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और खासकर सोशली अम्बेडकरवादी जो जो एक विचार है, जो जिस विचार की को लेके हम सब आंदोलनरत रहते हैं, वो पंजाब में कैसी है?
और पंजाब में इनकी स्थिति कैसी? पंजाब में देखिए परसेंटेज वाइज पंजाब में जो दलित है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनकी संख्या सबसे अधिक है। वो 32% 33% के बीच में कहीं पे है। और वहाँ पे उनकी जो स्थिति है, पहले तो मैं ये कह दूं कि पंजाब की स्थिति अभी वैसी नहीं है जिस तरह की पहले होती थी, कि पहले पर कैपिटा इनकम में पंजाब जो है टॉप पे रहता था। और बहुत सारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी की समस्या रही है और बड़े लंबे आंदोलन रहे हैं इसके ऊपर। फिर पंजाब से ही फिर मतलब यू नो 1966 में हरियाणा निकल गया, हिमाचल निकल गया 47 में। तो पंजाब का जो एक लेगेसी जो रहा है फूड प्रोडक्शन का, या फिर सिख मूवमेंट का जो वहाँ पे प्रभाव रहा है, बड़ा व्यापक प्रभाव रहा है, तो उसकी जो कहीं ना कहीं जो आंच थी वो मध्यम पड़ती गई है। और उसके लिए सेंटर की पॉलिसीज जिम्मेदार हैं। दिल्ली की जो पॉलिसीज बनती हैं, उन्होंने पंजाब के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया है, बहुत ही दुश्मनी वाला व्यवहार किया है, सौतेला भी नहीं है। तो उसमें जो आज की स्थिति है वो उस नाते जो है उसका कंपेरिजन तो हम महाराष्ट्र से या कर्नाटक से या कहीं और स्टेट से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो जनरली सारी कास्ट के लिए जो है वो इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं है। वहां पे आपको अगर कोई लादकार के इश्यूज होते हैं, कोई ऐसा इशू हो जो भोजन के ऊपर किया जाए, उनके हमारे समाज के साथ ऐसा भयानक घटना हो जाए, तो वहां पे बहुत ज्यादा तो ये यूपी बिहार में या इस तरह के जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब को ज्यादा है, तो वहां पे ये चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन पंजाब में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। तो उस नाते ये वहाँ के चमारों के साथ, वहाँ पे आधर्मियों के साथ, वहाँ पे वाल्मीकियों के साथ जो है वो एक ही तरह का एक उनको सिनारियो मिला है जो पंजाब का लार्जर सिनारियो है। हाँ जी, तरीके से नहीं होती जाए बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब यही ये भी नहीं है कि वहाँ का माहौल जो है वो इस तरह का है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मतलब आप अपना प्रोग्रेस करके जो है आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, किसी भी स्टेट में जो वहाँ के वहाँ पे प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे जो पैदावार होती है, आपके आयात निर्यात जो होते हैं, और उसके मतलब आपकी जो इकोनॉमी होती है स्टेट की, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पैसा जो है वो आगे पॉलिसीज जो आपकी प्लानिंग बनती है, जो भी होता है उसमें वो खर्चा की संभावना तभी बनती है, उसका फिर ट्रिकल डाउन होकर के वहाँ के लोगों के ऊपर उसका असर दिखाई देता है। लेकिन अब तो आपका कोई भी स्टेट हो तो वो सेंटर डिसाइड करता है। तो आपके जो लेन देन का मामला है, टैक्सेस के आदान प्रदान का मामला है, ये सारी की सारी बहुजन लोगों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो पंजाब का तो अभी जो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पंजाब का जो अगर जट तबका भी है तो आज वो बहुत मतलब स्थिति में आ जाएगा अभी 10 साल में, जहाँ पे उसके पास भी बहुत कुछ रहने वाला है नहीं। और क्योंकि डाउन होती जा रही है पंजाब, इकॉनमी डाउन होगी और वो हरेक की होगी जी, वो हरेक की होनी है डाउन, क्योंकि क्योंकि जो सारी की सारी जो सत्ता है वो सेंट्रलाइज हो गई है, वो दिल्ली के हाथ में आ गई है। और वो स्टेट अटॉर्नी जो है वहाँ पे क्योंकि नहीं है, तो स्टेट अपने अपने वहाँ के जैसे पंजाब का पंजाब स्टेट पंजाबियों के हित में, हरियाणा की स्टेट हरियाणवियों के हित में, तो वो फैसले नहीं ले सकती, तो उनको सेंटर के आगे गिर। उसको ऐसे देखें गुरिंदर की स्टेट वेलफेयर का जो एक कंसेप्ट था वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है। हाँ जी, तो सेंट्रलाइज होगा तो फिर पॉलिसी बनाता था अपने स्टेट की ज्योग्राफी को देखते हुए, सोशल इकोनॉमिकली सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हुए, वो जो बनाने का अधिकार जो स्टेट के पास होता था वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा है बजाय वो सेंट्रलाइज जा रहा है जी। और बिल्कुल हाँ जी, और उससे उसमें हो क्या रहा है कि वो चाहे केरला का मामला हो जो 2-3 हजार किलोमीटर 4 हजार किलोमीटर दूर होगा, या फिर इधर आप मतलब पिछले 6 साल में तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जो गंदगी है जो कांग्रेस के टाइम की भी थी जो छुपी हुई थी, अभी पिछले 6 साल में वो उभर के सरफेस पे आती है। पॉलिसीज बनती है वो स्टेट प्रभावित होता ही होता है, स्टेट प्रभावित होगा और स्टेट प्रभावित होगा। तो आप मान के चलिए कि अगर मतलब ये आम बात है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ और हो गया, फसलें तबाह हो गई, उसका सीधा असर सबसे पहले किसी पे आएगा तो वो शेड्यूल कास्ट के जितनी भी वो हैं उनके ऊपर आएगा, दलितों के ऊपर आएगा, वल्नरेबल जो बना दी गई कास्ट हैं उनके ऊपर आएगा। तो आज ही मेरे पास किसी ने भेजा, बल्कि गुरिंदर
जो जो रेलवे है अब पूरी तरह से 85% निजीकरण करने जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो जो रोजगार जो एक तरह से एससी एसटी ओबीसी को मिलता था और रेलवे देती थी, तो अगर जैसे ही प्राइवेट होता है तो जाहिर सी बात है सारे के सारे इससे बाहर जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, वो तो जाने ही। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मैं दोहराना नहीं चाहता चीजों को, अगर मैं कोई नहीं, क्योंकि हमारे बहुजन बहुत अच्छे से अभी समझ में उनको चीजें आने लगी है, तो मेरे सामने जो जो मेरे को अभी समझ में चीज पड़ रही है वो ये है कि हमने काशीराम जी के मूवमेंट को कहीं ना कहीं जो है उनकी धार को हमने खो दिया है। हम मतलब हो गई है वो, क्या है हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हुई है कहीं ना कहीं जी, तो उसको रिवाइव करना है हमको, कहीं कुछ जाने वाला नहीं है, अगर हम खड़े हो गए तो सब कुछ लौट आएगा। ऐसा मुझे नहीं है ऐसा कि ये लगता है कि अगर हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए तो हम बहुत ज्यादा पीछे भी चले जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसमें तो कोई शक नहीं है, अभी तो जा ही रहे हैं ना। देखिए मैं ये बात हमेशा उदाहरण के तौर पे पेश करता हूँ कि काशीराम साहब ने जो 4200 किलोमीटर साइकिल चलाया है और लगभग 10 करोड़ लोगों को वो इस यात्रा के दौरान मिले हैं, पूरे पैन इंडिया यात्रा थी, उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक का वो मसला था, तो लेकिन आज वो साइकिल यात्रा आप नहीं निकाल सकते। आपको पता है कि वो आपको कहीं ना कहीं रोक देंगे, आपको पीट भी सकते हैं, गुंडई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको हाँ, लेकिन तो कोई वक्त था जब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बोट क्लब दिल्ली की ही बात है, काशीराम साहब ने क्या नए नए प्रयोग करके मतलब ओबीसी रिजर्वेशन को बहुत अच्छे से लागू करवाया था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप आज उस स्थिति में नहीं है, ये मैं 89 की बात कर रहा हूँ, 88, 89, 90 की बात कर रहा हूँ मैं, और लेकिन हम देखते हैं कि 2020 में लगभग 30 सालों बाद हम बहुत पीछे चले गए, उससे भी पीछे चले गए हैं। अभी हमारे कोई कभी होता था, देखते हैं कि लालू जी होते होते थे उसमें, और हमारे बहुत सारे नेता हुआ करते थे जो कि बहुजन की बात करने के उसमें थे, लेकिन आज हमको कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन वाइब्रेंट वो बहुजन समाज का वो सिनारियो था और आपस में, लेकिन अभी अभी जबकि इंटरनेट की दुनिया है, सब सब कुछ है, लेकिन हम देखते हैं कि हम पुराने रिटोरिक्स में जी रहे हैं, हम पुरानी बहुत पुरानी बातों को, तो नए एनालिसिस जो है वो हमको लेकर के आने पड़ेंगे। तो मैं अपनी हमेशा हर स्पीच में मतलब अब जितने भी मेरे को मौके मिलते हैं मैं उसमें ये बात कहता हूँ कि अभी जो हमारे सामने स्थितियां बनी हुई हैं, अगर आपको उसको उसको पार पाना है, अगर उससे आपको निकलना है, तो आपको एकजुट होकर के कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक हमारे पास बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ी हमारी हमारा जो भाई बहन है ओबीसी समाज में, उनकी कभी तक गिनती नहीं हुई है, हम खुद नहीं जानते हैं। मैं काफी मुझे समय हो गया है मतलब अपने इस मूवमेंट से जुड़े हुए आंदोलन से, लेकिन आप यकीन करिए ये इतना बड़ी कंट्री है, इतना सब कुछ है कि आप जो है नहीं जान पाएंगे जब तक कि आपके पास सामने आंकड़े नहीं आएंगे। और ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि हमारे पास एक इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी हो, 55-60 करोड़ की आबादी हो, 70 करोड़ की, जिसकी हमारे पास कोई कोई भी काका कालेलकर का हो या फिर बीपी मंडल का हो आगे, लेकिन वो उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी, लेकिन हमारे पास उसको सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं उसको सबोटाज करने का इन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है उनसे जुड़ा हुआ। या फिर अभी वो ये बोलने लगे हैं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुआ था कि इससे हमारा देश जो है वो जातियों में बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी जातियों में बटा ही नहीं है। तो मैं एक बात मैं आपको बता दूं, डी कास्ट होने की भी जरूरत है, और ये न केवल हमसे बल्कि उनसे भी है, जितना हमें उदार होने की जरूरत है इतना उनको भी। दूसरी चीज गुरेंद्र, आप ये बताइए, ये केवल ओबीसी की बातचीत नहीं है कि उनके आंकड़ा हमारे पास नहीं, तमाम जातियों का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्रूफ नहीं है रेजिडेंसी के। अभी कल हमारे साथ चर्चा में, जैसे आप हैं कल हमारे साथ झारखंड से थे, उन्होंने बताया, बड़ा शॉकिंग लगा मुझे कि जब से झारखंड बना है वहां एससी का सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा, बन रहा। आप सोच के देखिए कितने सालों से राजनीतिक पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, महाराष्ट्र जो इतना अवेयर स्टेट है वहां पे भी सर्टिफिकेट, एक खास समुदाय का सर्टिफिकेट ही नहीं बनता। इसके ऊपर मैं दर्शकों को सूचना के रूप में बता दूं, हम दोनों ही पहलू पे झारखंड और महाराष्ट्र इस पे विस्तार से बातचीत करेंगे, और आप इंतजार कीजिएगा कि हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन पा रहा है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो रिजर्वेशन का लाभ भी नहीं मिल सकता,
यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते बच्चे। आप एक तरफ तो कोर्ट के माध्यम से नए फरमान जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेट ही नहीं बनने दे रहे, और तीसरी तरफ आप ये भी फरमान जारी कर रहे हैं कि जो एससी का कैंडिडेट होगा उसको एससी में ही अप्लाई करना है। भाई ये वो है कि रुलाए और रोने भी ना दे, पिटे और रोने भी ना दे, ये है हमारे सामने स्थिति। गुरिंदर, लास्ट सवाल मैं आपसे ये जान करना चाहूंगी कि हमारे तमाम युवाओं को, आप स्वच्छकार समाज के युवा को खासकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि मेरी इच्छा थी कि आपको ये कविता भी जरूर सुनाते, अगर आपके पास इस वक्त उपलब्ध है तो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, उधार रहा। हाँ जी जरूर जरूर, माय प्लेजर। देखिए मैं बहुत लगातार जो युवाओं के खास तौर पे संपर्क में आ रहा हूँ, जो कि स्वच्छकार समाज, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन, उनसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें उनसे दिखाई देती हैं। बहुत सारे क्रिएटिव वे में उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट को बहुत ही गहराई से समझा है, और उनको जो उनके स्टेट के मसले हैं जिसका ज्यादा, हाँ तो वो तो उनका तो है। हाँ जी, तो वो मैं दिख रहा हूँ, तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ। मैं बस आप जो है स्वच्छकार समाज जो है, बस इसी धार को जो है बना करके चलता जाए और अपने समाज को जागृत करता जाए, ये बहुत स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि आपके स्टेक्स हैं, आपके आपकी आपके फ्यूचर का सवाल है और आपके आने वाली जनरेशन का सवाल है। तो ये सवाल सबके सामने खड़ा होता है कि आने वाली जनरेशन हमसे ये कहेगी कि जब ये सब कुछ घट रहा था हम कहाँ थे। तो हम सही जगह पे हैं अब, क्योंकि सही जगह पे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला कल हमारा होगा। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि हमको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, हमको हारना नहीं है, दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन बुराई जो है, बहुजन दृष्टिकोण से कह रहा हूँ मैं, कोई मिथ्या से नहीं, कि बुराई की हार होना निश्चित है और अच्छाई हमारे साथ है, बिल्कुल। और बाबा साहब की और हमारे आइकन्स की जो ताकत है, रोल मॉडल्स की ताकत, वो हमारे साथ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की को लेकर चलने की जरूरत है, शिक्षित बनने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है, और साथ में मिलकर लड़ने की जरूरत है तमाम मुद्दों पे। अपनी अगर आपकी किसी भी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता है भी, लेकिन जब जब इश्यूज बहुत हमारे इन लार्ज सोसाइटी को प्रभावित करने पर तुला हुआ हो, तो हम सबको एक टेबल पर आकर चर्चा करने की जरूरत है, साझा संघर्ष की जरूरत है। जब तक हम साझा होकर नहीं लड़ेंगे, तमाम दूसरी ताकतें जो है वो कभी नहीं चाहती कि दलित बहुजन की एकता बनी रहे। उन्होंने काशीराम के आंदोलन को नहीं बख्शा, वो आज जिस तरीके से सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आप अगर जरा सी भी बात करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले आपके अपने ही लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में हमें साथ मिलकर चलने की जरूरत है, साथ लेकर चलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने विस्तार से हमारे साथ बातचीत करी। एक दिन फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरी की पूरी वहीं पे जहां मैं छोड़ा था मैंने आपको, जो शीश जो पंजाब में लेकर गए थे। जी जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान है, जो शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, हम उसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करेंगे, और उसमें इसके ऊपर हम अगली चर्चा के लिए छोड़ते हैं। हाँ जी, और मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मणवाद ने किस तरह से वो कहाँ कहाँ के कौन कौन से बिंदुओं में क्या क्या गुल खिलाए। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इतिहास में बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहा है। मैं जब कभी किसी जमाने में, गुजरे जमाने में यूपीएससी की तैयारी किया करती थी, तब हिस्ट्री मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और हिस्ट्री को लिया था मैंने। बहुत विस्तार से मैंने पंजाब के सिनेरियो को पढ़ा है। तो आपसे समय जरूर एक बार आप हमें देंगे और हम समय आपसे अधिकार सहित लेंगे। आज की चर्चा आपके लिए, आपने इतना भागदौड़ की चंडीगढ़ तक पहुंचे और हमारे साथ आप रूबरू करके बातचीत की, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और तमाम दर्शकों को जिन्होंने गुरिंदर आजाद की बातचीत को सुना, सबसे बड़ी बात आपने सुना तो है यूनी की जुबानी, लेकिन राउंड टेबल इंडिया को झांक कर देखिए, आपको तमाम चीजों पर उनकी चर्चा विस्तार से मिलेगी। मैं तमाम स्वच्छकार समाज की आवाज चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगी कि उस वेब पोर्टल को पढ़िए और पढ़ाइए। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। इन शब्दों के साथ बेहद शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय भीम। स्वच्छकार समाज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। जय भीम।